मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके सामने कोई समस्या ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही कारगर विषय है। ये उपाय या फिर ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों, कितने लोग उनको ये पता ही नहीं है कि उनके साथ जो भी अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं तो वो क्यों घट रही हैं, उनके साथ जो गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका कारण ही उनको नहीं पता है। जैसे कि आपकी आवक से ज्यादा आपका खर्च हो रहा है, पति पत्नी में कारण बिना आपस में लड़ाई झगड़े करे कंकास होती रहती है जिसका कोई कारण नहीं होता है। फैमिली के मेंबर्स में आपस में एक दूसरे से द्वेष भावनाएं फैलते जा रही हैं, आवक के जरिए धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं या सीमित होते जा रहे हैं। लोगों का मन किसी भी काम में कब लगता है, जब वो भले थोड़ी थोड़ी पर वो तरक्की कर रहे हों, तो जब माइनस होने लग जाता है तो मन अपने आप उस जगह से उचाट होने लग जाता है। तो ये सब जहां भी हो रहा है, जिसके साथ भी हो रहा है, कितने ये ग्रह का दोष होता है दोस्तों। जैसे राहु ग्रह है कलयुग में, ये ग्रह लोगों को बहुत परेशान करता है, और जिसके ऊपर राहु खुश हो जाए दोस्तों, वो व्यक्ति तरक्की के शिखर को छू लेता है, मतलब वो तरक्की की ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। उसके लिए हर चीज आसान हो जाती है, वो जो चाहता है वो चीज उसके पास इमीडिएट मिल जाती है। तो ये राहु खुश करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल की मुलाकात जो भी पहली बार ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्रिया या उपाय आपको रविवार के दिन करना है। राहु को खुश करने के लिए ये उपाय अपने आप में सक्षम है। दोस्तों आप पहले से देख लें, कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति, जो व्यक्ति शराब पीता हो, ये आपको देखना पड़ेगा या फिर आपकी नजर में हो, ऐसे व्यक्ति को आपको एक शराब की बोतल देनी है। बोतल दोस्तों पैक होनी चाहिए, खुली हुई बोतल नहीं देनी। फिर चाहे आप उसको क्वार्टर दें, हाफ दें या फिर पूरा बोतल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना, ये आपको दान करना है। और राहु शराब से ज्यादा उसको कुछ और पसंद नहीं है दोस्तों। आप एक बार ये देखे तो देखिए, ये चीज आपको किसी गरीब व्यक्ति को ही देना है। बस आपको शराब की बोतल ले लेनी है और जाके राहु के नाम से उस व्यक्ति को दे देना है, और जैसे ही वो व्यक्ति शराब पिएगा दोस्तों, आपका राहु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। और जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समस्याएं बताई, जिसके भी साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, वो राहु बिल्कुल बदल के दूसरी पोजीशन में आ जाएगा, जहां आपका खर्च हो रहा है उस जगह आपकी आवक बढ़ जाएगी और खर्चा आपका नैवत हो जाएगा, फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद हो जाएगी।
घर के मेंबर्स में या पति पत्नी में आपस में जो भी कलह कंकास होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसकी जगह आपस में प्रेम भाव का बर्तन शुरू हो जाएगा। घर के सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से लगाव पैदा हो जाएगा और एक दूसरे की बात मानने लग जाएंगे। सर्वसम्मति से उस फैमिली में डिसीजन लिए जाएंगे और उन डिसीजनों से बहुत अच्छे अच्छे कामों को अंजाम दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ और नहीं करना है, इसमें पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पैक बोतल देनी है। दोस्तों ध्यान रहे, चाहे फिर आप छोटी या उससे बड़ी या उससे बड़ी कोई भी, जैसी आपके श्रद्धा हो या आपकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार आपको देना है, और किसी गरीब व्यक्ति को देना है जो व्यक्ति शराब स्वयं पीता हो। बस आपका ये काम समझ लीजिए बहुत बड़ा काम हो गया। राहु खुश तो कलयुग में उस व्यक्ति को कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, और ये करना है आपको रविवार को। चलिए दोस्तों, इस क्रिया को करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य।